राधे राधे। तो हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो वृंदावन में है आज हमारा दूसरा दिन, तो स्वागत है आप सभी का मेरे साथ इस वृंदावन की नगरी में। सो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है और सुबह के बज रहे हैं इस वक्त 7। बहुत ज़्यादा धूप आ गई है क्योंकि गर्मी यहाँ पर काफ़ी है, और फिलहाल नीचे है लोग खड़े हुए, वहाँ पे शॉपिंग चल रही है आज, और हमने आज जाना है, आई थिंक बरसाना जाएंगे या फिर कहाँ जाएंगे अभी मुझे इतना श्योर नहीं है। बाकी हम लोग नहा धो के सब लोग रेडी हो गए हैं, और फिलहाल देखिए आपको मैं कुछ चीज़ दिखा। तो वहाँ पर देखिए, वहाँ पे शॉपिंग के लिए आए हैं लोग, यहाँ पे स्टॉल अपना लगा के बैठ गए हैं, और अभी हम जाएंगे यहाँ पे, देखते हैं कि कैसा है। और फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लग रहा है, कल भी हम पर बहुत भीड़ है यहाँ पे ना, कल बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है ना कि क्या बताएं, कल भी हालत ख़राब हो गई थी बच्चों को गोदी में उठा उठा के, और आई थिंक आज भी पता नहीं कैसा होता है। तो वैसे मैंने हेयर वॉश कर लिए हैं और क्लेंजर लगा लिया, लेकिन मुझे बाद में लगता है कि शायद मेरे को जूड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और आज ब्लॉग में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ब्लॉग में बन रहिएगा, और ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। बोल दो आगे से दिखाओ ना, कौन सा? राधे राधे, शाम वाला है, शाम वाला। गाइस, मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 8 बजे हैं, और यहाँ पर हम लोग रुके हैं, ये वाला जो है यहाँ पर हम लोग रुके हैं, और सेकंड डे है आज हमारा वृंदावन का। और यहाँ पर देखिए सुबह सुबह शॉपिंग हो रही है, एक्चुअली यहाँ पर ना बड़ा अच्छा लगा है, सुबह सुबह यहाँ पर आ गए हैं, स्टॉल लगाया है लोगों ने बड़ा अच्छा, और यहाँ पे लोग शॉपिंग करने में बिजी हैं। कितने की शॉपिंग कर ली? बहुत सारी, हमने बहुत सारी कर ली। राधे राधे, राधे राधे। पूरे ग्रुप की हमारी शॉपिंग चल रही है, लोग अलग अलग तरह से लोग यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं, बैग्स भी हैं यहाँ पे, देखिए ये भी है। हो गई आंटी शॉपिंग कर ली। ये है आज का ब्रेकफास्ट वृंदावन में, जो दूसरा दिन है, और आज का ब्रेकफास्ट है आलू के पराठे, रायता, चटनी, सब्जी और चाय। तो फ्रेंड्स, आज का नाश्ता करते हैं। राधे राधे एवरीवन, ऑल आर रेडी, वी आर रेडी, रेडी गाइस, सब लोग आ गए हैं और अभी जा रहे हैं दूसरी जगह में। हाँ जी, अब लभी सकी पैसे? ठीक है आंटी, तबीयत तो नहीं खराब हो रही? दीदी बजा रहा भैया, क्या तो नहीं आ रही? अरे आ रही है ना, बात तो सही है। आंटी बिंदी भी कितने अच्छे लगते हैं ना, बिंदी लगाती नहीं है, कितने अच्छे लग रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग बस से उतर गए हैं और अब हम जा रहे हैं गोवर्धन पर्वत का चक्कर लगाने के लिए, परिक्रमा करने के लिए। तो सब लोग हैं अलग अलग ऑटो में हैं, हमारे ग्रुप के लोग, और ये है बैटरी वाली ऑटो है। हेलो एवरीवन, परिक्रमा करिए, आनंद लीजिए परिक्रमा का। तो सब लोग जा रहे हैं बस साथ में, और वहाँ पर हम लोग परिक्रमा करेंगे, तो ऑटो से ही करेंगे ये, और जैसा भी होगा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो बन जाएगा ब्लॉग में, और ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। राधे राधे जी, राधे राधे। सो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो, ये है हमारा राधा कुंड। तो यहाँ पर आए हैं हम राधा कुंड में, तो पहले हमने राधा कुंड में थोड़ा सा पानी लिया, अपने सिर पर वारा, और अब हम जा आ रहे हैं साथ में ये कृष्ण कुंड। तो यहाँ पर है राधा कुंड और यहाँ पर है कृष्ण कुंड, दोनों साथ साथ ही हैं।
तो दोस्तों गोवर्धन पर्वत की जो परिक्रमा है वो 21 किलोमीटर की है, तो हम लोग ऑटो से ही पूरा कर रहे हैं क्योंकि पता नहीं पंडित जी ने कहा है कि सब लोग ऑटो से जाएंगे, तो हम फिर ऑटो से जा रहे हैं। और साइड साइड में जो गोवर्धन जो पर्वत है, ये जो पूरा वाला एरिया है ना, ये गोवर्धन पर्वत के ऊपर ही है, तो साइड से उसमें छोटे छोटे जो अवशेष हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो मैं धीरे धीरे करके आपको दिखा रही हूँ, और बाकी हम नहीं उतरे, नहीं तो मैं आपको पूरा दिखा देती। मानसी गंगा, तो यहाँ पर हम जा रहे हैं, दर्शन करिए हमारे साथ आप लोग भी। फ्रेंड्स लोग वहां पर दर्शन करने के बाद, सरोवर के दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं मंदिर पूछरी। गए हैं फिर से अपनी बस में, और दो तीन जगह हमने यात्रा करी, उसके बाद अब हम जा रहे हैं बरसाना। और समय हो रहा है 4:30 बजे का, 4:30 का वक्त हो रहा है, और अब हम सब लोग बस में बैठ के फिर से जा रहे हैं बरसाना, और मिलते हैं आपसे वहीं पर ही। राधे राधे। ये है सती माता का मंदिर। सो फ्रेंड्स, अभी अभी मैंने सुना है, पंडित जी ने बताया कि ये है सती माता का मंदिर, यानी कि यहाँ पर अभी कुछ वक्त पहले ही एक स्त्री थी, वो सती बनी थी, मतलब अपने पति के साथ उन्होंने अपना यहाँ प्राण त्यागा था, तो इसलिए यहाँ इस मंदिर को सती मंदिर कहा जाता है। तो यहाँ पर अब हम लोग थोड़ी देर माथा भी टेकेंगे और खाना भी खाएंगे। नहा के पूरे अच्छे से स्नान करा रहे Yeah!
चल चल डीजे लगा ना। बीमार होते हैं लड़ा सकने हंसो तो जो बीमार होते वो ठीक हो गए इनको डोनेट करते हैं बेटा। कीर्ति मंदिर है राधा रानी के माँ के नाम से, क्योंकि जो राधा रानी की माँ थी जन्म से वो माँ नहीं थी, लेकिन कीर्ति माता को राधा रानी की माँ कहा जाता है, तो उनके नाम पर ये इतना खूबसूरत मंदिर बनाया गया है। सो फ्रेंड्स, ये था कीर्ति मंदिर और ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन हम बहुत लेट हो गए और मंदिर का बंद होने का टाइम हो गया। बस हमने थोड़े से दर्शन किए और फटाफट से दर्शन किए और थोड़ी सी मैंने फोटोज क्लिक करी है, ज़्यादा नहीं क्योंकि लेट हो गया था। मिलती हूँ बस थोड़ी सी देर में। सो गाइज, अब हम जा रहे हैं बरसाना से वापस अपने जो हमारी लोकेशन है वृंदावन। तो बताइए आप सबको कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय बोलो राधा रानी की, बरसाना धाम की, आज के आनंद की, जय जय श्री राधेश। तो कैसा लगा आपको बरसाना में? कैसा लगा बरसाना में? बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, यहाँ पर आबू डांस कर रही थी और बस में अचानक से ब्रेक लगी और आबू खिड़की से बाहर गिरने वाली थी। वो तो शुक्र है इसके पापा ने एकदम से पकड़ लिया और भगवान जी ने आबू को बचा लिया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। तो जय श्री राधे राधे।